आ जाइए हम बच्चों को अपने ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए। हम बच्चे बहुत प्यार से आपके महावाक्य सुनने के लिए तैयार हैं। बाबा आज की तारीख है 23 अगस्त 2022। काका मुर्गे ओम शांति। बाप दादा अमर हुए। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब यह पुराना घर छोड़, बाप के साथ तुम्हें चलना है। अब यह पुराना घर छोड़कर बाप के साथ तुम्हें चलना है, इसलिए इस घर मन शरीर से ममत्व को मिटा दो। शरीर रूपी घर से मोह को मिटा दो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन सा शब्द नहीं निकलेंगे? देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन सा शब्द नहीं निकलेंगे? उत्तर क्या होगा? मैपन का शब्द नहीं निकलेगा, मेरा मेरा का भाषा नहीं निकलेगा। जो देही विमानी रहेंगे उन्हें सदा याद रहेगा यह सब कुछ बाबा का है, मेरा नहीं है। बहुत अच्छा उत्तर आप दिखे और लिख सकते हैं। देही अभिमानी बच्चों के मुख से मैपन वाला भाषा मेरा मेरा नहीं निकले। बाबा का उत्तर लिखे। बाबा कहते हैं बाबा का उत्तर है मेरे मन को शांति कैसे मिले? यह सब देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही
यह शब्द बोलते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, मन के शांति की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं मन की तो शांति की बात ही नहीं, आत्मा का ही स्वधर्म शांति। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। आत्मा तो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते हैं। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले बच्चे इस बात को समझ नहीं सकते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है? सभी जानते हैं मरना किसको कहा जाता है? बाबा बहुत सिंपल बात बताएं, ज्ञान योग में मरना किसको कहा जाता है? इस राज्य की पढ़ाई में मरना किसको कहा जाता है? बहुत सहज आंसर होगा, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। यहां बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। यहाँ बच्चे जानते हैं जीते जी शरीर से अलग है, हम अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज, योग से बाबा पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है भी। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन? परमपिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है ही नहीं बाबा कहते, उनको तो अपना शरीर है ही नहीं। सिर्फ बाबा कहते हैं उनको तो अपना शरीर ही नहीं है, यह लोन लिया हुआ शरीर है सिर्फ बाबा का। हमको भी यह छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। वैसे तुम बच्चों का भी यह पुराना घर है बाबा कहते हैं। तुम बच्चों का पुराना घर यह शरीर है जिसमें खिड़कियां आदि सब है। बाबा बोले खिड़की कौन सा है इस शरीर के घर में? खिड़की बाबा किसको कहते हैं? खिड़कियां ये आंखें हैं, शरीर रूपी घर में ये खिड़कियां आंखें हैं। दरवाजा किसे कहेंगे? मुख को कहेंगे, है ना। शिव बाबू कहते हैं जिसका घर है
यह तुम्हारा शरीर रूपी पुराना घर है जिसमें खिड़कियां आदि सब है। तू परमात्मा बाप कहते हैं बच्चे, यह पुराना घर सबको छोड़ना ही है। यह पुराना घर सबको छोड़ना ही है, मेरे साथ घर तुम बच्चों को चलना है। इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व तो मिटाते जाओ। इस शरीर में रहते शरीर व शरीर के संबंधियों से मोह को मिटाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करो और परमात्मा बाप को याद करो। यह तो बच्चे जानते हैं, दो चीजें जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, क्या करते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं करते हैं, शरीर को ही मार डालते हैं। आत्मा को तो नहीं मार डाल सकते, आत्मा को नहीं मार सकते हैं। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुखधाम में हैं, यह शरीर भी पुराना घर है, ये सारा सृष्टि दुखधाम है। बाबा ने समझाया है यह अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है बाबा बोलते, घर में खिड़कियां आदि होती है इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर रजाई की जाती है ना, तख्त माना सिंहासन, उसके ऊपर बैठकर रजाई की जाती है। इस समय तो दुखधाम है, हाँ यह जरूर है आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है। नए शरीर में बैठकर फिर सिंहासन पर बैठ जाना है बाबा कहते हैं। रजाई करनी है ना, दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको परमात्मा बाप से रजाई मिलती है। बाबा कहते दुनिया में केवल तुम ब्रह्मावत्स ही हो जिसे विश्व की रजाई मिलती है। कितना खुशी होना चाहिए। जब तक बाप ना आए तब तक या बादशाही कैसे दे सकते हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको सहंसा बनाने के लिए आया हुआ है। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है यह पुराना घर हमें छोड़ना है। आत्मा को पहले सत्व प्रधान घर मिलता है, सत्व प्रधान घर मिलता है, सत्व प्रधान गुणवान आत्मा है बाबा कहते हैं। तो शरीर भी ऐसे ही सत्व प्रधान गुणवान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। उच्च पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा ना, जो बहुत ऊंचा पवित्र आत्मा उसको शरीर भी ऊंचा पवित्र मिलेगा ना। पावन बनेंगे तो पावन घर तुम्हें मिलेगा जरूर। जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बनेंगे। खुद कहते हैं बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ। कल्प कल्प इस शरीर में आकर के यह यज्ञ रचता हूँ मैं। इस ब्रह्मा शरीर में आकर के मैं ये बेहद का यज्ञ रचता हूँ। बाबा कहते हैं इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है।
जिस रथ में भगवान आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रथ होता है। इनको अडॉप्ट किया जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीजों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। सभी किए है ना, अपने को आत्मा निश्चय किया है तुमने, बुद्धि से सब कुछ तुमने त्याग किया है, बुद्धि से सब कुछ तुमने भूल गया है। भूल गए कि नहीं? बुद्धि से तुमने सब कुछ त्याग किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ना है तुम्हें, सब संबंध बुद्धि योग से तोड़ देना। बस बुद्धि केवल एक परमात्मा बाप में लगाना है। बाप कहते हैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की, वह स्वर्ग की बादशाही पाना है तुम्हें। यह भी समझाया जाता है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है, इनको झाड़ भी कहते हैं। बड़ के झाड़ से भेंट भी की जाती है, उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। बड़ का पेड़ का या झाड़ जब नया है तब हम देवताएं ही रहते हैं वहां, अभी तो पुराना हो गया है। इसमें सब गरीब हैं, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो बाबा जी, ज्ञान रत्न लेते हैं और ज्ञान रत्न ही देते, इसको व्यापार कहा जाता है। अभी तो पाई पैसे का व्यापार है बाबा कहते हैं, तुम अभी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। बाप से रत्न लेकर फिर तुम औरों को भी देते हो। अब तुम्हारे श्रेष्ठ हीरे जैसे बुद्धि बनती है, तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं। ज्ञान रत्न लेने का देने का कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, उसके पश्चात क्या मिलती है? फिर तुम्हें रत्न रत्न ही अथाह मिलते हैं। गाया हुआ भी है ना, क्या गाया हुआ है? सागर हीरे ज्वारातों की थालियां भर भर कर देते हैं, तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं सागर। ये शास्त्रों में वर्णित, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा बाप ब्रह्मा मुख कमल से रोज ज्ञान रत्नों की थालियां, एक थाली तो क्या चार थाली बाबा देते हैं, चार पेज का ज्ञान रत्न हमें देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। वहां शास्त्र में दिखाया गया है कि सागर से हीरे ज्वारातों की थालियां लेकर के आते हैं, भेंट करते हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वालों को जान गए हो, बरोबर हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है।
तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम अमृत वेले उठकर यह ज्ञान रत्न या ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है, कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन, कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। यह आत्माओं ने कहा, फिर मेरी मन प्रभात में भगवान का नाम सिमरन करो, राम राम कहो। मन बुद्धि में है न, मन बुद्धि आत्मा में। मनुष्य देह अभिमान में बहुत रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता है। क्या कहते हो? मन मेरा शांत नहीं होता है। जैसे कि शरीर में मन है, परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा समझते नहीं है। शांत व अशांत आत्मा होती है ना। आत्मा कहती है मैं अशांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं। देह अभिमान वाला होगा, देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले। मन क्या है वह भी समझते नहीं। आत्मा को शांति मिलती है, वह आत्मा के मन को मिलती है। आत्मा को शांति मिल जाती है या आत्मा के मन को मिलती है? पहले तो आत्मा को ही जानना पड़े ना। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। यह शरीर तुम्हारे ऑर्गन्स हैं, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में तुम टिक जाओ। सन्यासी भी इस बात को बिल्कुल नहीं जानते हैं। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते हैं। अच्छे की समझिए, बाबा कहते सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा, परंतु ताकत किसे मिले, कैसे मिले जो शांति में रह सके। जब तक परमात्मा से ताकत नहीं मिलेगा तब तक आत्मा अपने शांत स्वरूप में टिक नहीं सकती। परंतु ताकत किसे मिले जो शांति में रह सके। जब बाप को याद करे तभी ताकत मिले ना। सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं है। वह समझते हैं हम आत्मा सु परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगे और कुछ भी नहीं जानते। वो कहते हैं आत्मा परलोक में चली जाएगी और कुछ नहीं जानते, पुनर्जन्म को ही सब भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भी सब भूल जाते हैं। बाप समुख समझाते हैं बच्चों को, तुम समझते हो कि अभी हमको बाप के गले का हार बनना है। हम असुर उस परमात्मा बाप के गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है, नाटक में एक्टर्स खेलते भी रहते हैं और टाइम भी देखते रहते हैं। कितना टाइम हुआ घर जाना? अभी नाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है। टाइम पूरा हुआ सब एक्टर्स आकर के खड़े हो जाते हैं, फिर ड्रेस बदली करके अपने अपने घर चले जाते हैं। नाटक वाला बात बाबा समझा, हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पाठ। परमात्मा बाप आया है तुम आत्माओं को लेने के लिए। यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता है
क्या आत्माएं वहां होंगी व नहीं होंगी। हमारा काम है वर्षा लेना, जरूर आत्माएं होंगी, तब तो आती रहती है ना। प्रमधाम में अभी भी बहुतों आत्माएं हैं जो वहां से आती रहती, परमधाम से उतरती रहती। बाबा से बाबा कहते हैं बच्चे वहां पर बहुतों आत्माएं हैं जो उतरती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। यह तुम बच्चों को पता है, जो कुछ भी पिछाड़ी वाले रहे हुए वह सब आते रहते हैं। मच्छरों जैसे मच्छर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए हैं, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है। जानवरों आदि का, मच्छरों आदि का हिसाब किताब होगा क्या? नहीं। यह जो बड़े बड़े साइंसदान वाले हैं वह कितना माथा मारते रहते हैं। साइंसदान वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि जो भी साइंस वाले बहुत अच्छे अच्छे साधनों का रिसर्च करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं साइंसदान वाले वह कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। देखो असुरी मत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है, साइंस वाले क्या करते रहते हैं। सुख भी है तो इन चीजों से विनाश का दुख भी है ना। बाबा कहते सुख भी है तो दुख भी है। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो। साइलेंस उनको फिर साइंस का कितना घमंड है अपना, कितने एरोप्लेन बारूद आदि है। साइंस पर साइलेंस की विजय प्राप्त होती है। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु मन जीते जगत जीत कह सकते हैं। पहले ही बोल देते हैं, क्या बोलते पहले, उनको कितने एरोप्लेन आदि बारूद आदि बनाते रहते हैं। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। मन जीते नहीं, माया रावण को जीतेंगे तब जगत को जीत सकेंगे, विश्व को जीत सकेंगे, स्वर्ग की बादशाही ले सकेंगे। आत्मा अशरीरी हो परमात्मा बाप के पास चली जाती है। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प ना आए, कहते हैं ना, बाबा कहते हैं आत्मा अशरीरी होकर परमात्मा बाप के पास चले जाएंगे। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प न है। बाप कहते हैं याद तो जरूर आएंगे, मामी कम याद करो, हम आत्मा अपने साइलेंस होम स्वीट होम मुक्ति धाम में जाती हैं। अब मुक्ति धाम में हम सभी आत्माओं को जाना है।
सिर्फ बाबा कहते बच्चे अब मामी कम याद करो, हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती हैं, पियर घर जाती हैं। बुद्धि में यही रहता है ना, बाबा आया हुआ हमको ले जाएंगे, गाइड बाबा है ही। कहते मेरे लाडले बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है, अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख ले। वहां जाना भी सिखलाते हैं बाबा, वहां से यहां से मनुष्य तंग होकर के कहते हैं है ना कि हम जाएं। सतयुग में ऐसे थोड़ी कहते हैं, सुखधाम को ही सब याद करते रहते हैं। सुखधाम अर्थात सतयुग त्रेता, दुर्धाम अर्थात द्वापर कलयुग है ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें साथ नहीं चलूंगा, कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखना, अगर एक देखे तो सब देख ले। सिखलाते हैं ना वहां जाने के लिए, और वहां जाना है तो बाबा सिखलाते भी कैसे जा सकेंगे। यहां से मनुष्य तंग होकर के कहते हैं हम और कहीं चले जाए। सत्युग में ऐसे थोड़ी ही कहेंगे, सुधाम को ही सब याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ले जाऊंगा साथ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तो सदा तैयार रहना चाहिए ना, बाबा से कहते साथ ले जाऊंगा मैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाएंगे, वह सिर्फ का देते हैं बुद्धि की आत्मा निर्वाण धाम गए, बुद्ध की आत्मा बौद्ध की आत्मा निर्वाण धाम गए। अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएगी, या कोई भी जा नहीं सकते हैं पार निर्वाण धाम। इस नीले आसमान से भी ऊपर दुनिया, उससे भी और ऊपर दुनिया, दो दुनिया और है। तो हम सिर्फ बच्चों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, अपॉइंट्स धारण करना चाहिए। तुम बच्चों को बाबा साथ ले जाएंगे। बाप कहते बच्चे मेरे गले का हार बनने के लिए, विष्णु के गले का हार बनेंगे, गिरेंगे भी पहले तुम। वह पुजारी बनते हैं जब रावण के गले का हार बन जाते हैं। आखिरीन यह हालत हो जाती है तुम्हारी, तुम बच्चे जानते हो हम आधा कल सुख में आधा कल दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले, रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले बनते जाएंगे, या भी दुनिया के गले का हार बनेंगे ना, अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। या ड्रामा का ऐसा खेल बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, ड्रामा का खेल है इसीलिए, जो सिवाय परमात्मा बाप के कोई भी तुम बच्चों को समझा ना सके। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी रीति तुम्हें मिलती रहती है। समझाने के लिए ना नटसेल में कहा जाता है एक परमात्मा बाप को याद करो, है ना, एक परमात्मा बाप को याद करो। पति दुनिया को कैसे ही पावन दुनिया बाबा बनाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, बाबा तो आकर के बच्चों के लिए पावन दुनिया बनाते हैं, और फिर गले का हार पाले पाले कौन बनते, या भी बुद्धि में तुम्हारा आना चाहिए। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले का हार माला बनते हैं, फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना देते हैं, फिर रावण राज शुरू होता है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम बच्चे जानते हो,
नंबर वार पुरुषार्थ निकाल। स्कूल में भी सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं लेते हैं। हाँ, कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती है, सब सब्जेक्ट में नहीं मिलता। इसमें भी मार्क्स है, दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है, सारे गुणों को धारण करना ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बाबा बोलते हैं सारे चक्र का राज भी समझाना है तुम बच्चों को, कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते हैं, समझाते हैं। नंबर वार तो सब होती ही है ना, जो पास होते हैं वह गले का हार बन जाते हैं। परमात्मा बाप को परफेक्ट है, परमात्मा बाप तो है ही सदा परफेक्ट है ना। शिव बाबा कहते हैं परमात्मा बाप तो है ही परफेक्ट, उन जैसा परफेक्ट कोई भी हो नहीं सकता। वह तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई नई पॉइंट्स आती रहती है, और कोई की भी बुद्धि में यह पॉइंट्स बैठ नहीं सकता है। यह ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, भगवान वाच, मैं तुमको राज्यों सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था, अभी फिर गरीब बन गया है, फिर गरीब भारत बेहद अमीर बन जाएगा, और कोई देश वालों को पता भी नहीं लगेगा, है ना। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा क्या कहते हैं, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, अब तुम राजयोग सीख हो। भारत कितना अमीर था, अभी गरीब बन गया है। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब कुल के भी बन जाते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं तो ही गरीब बन जाते हैं, तो उन पर तरस पड़ता है, कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भी भारत के पैसे बहुत लिए हैं, उस धन से खुद साहूकार बने हैं। भारत गरीब हो गया है तो फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब, बाबा कहते लोन के हिसाब से मदद देंगे, इंटरेस्ट सहित लौटाएंगे। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है, कोई अच्छे हैं वह समझते हैं, यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु प्रेरक कौन है या कोई भी नहीं जानते हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, बहुत शक्ति था धर्म में ना, सारे विश्व के मालिक थे तुम। पहला धर्म देवी देवता का है, पहला धर्म किसका है, देवी देवताओं का है, जो बाप स्थापन करते हैं। अब सबसे गिरा हुआ भी कौन, सबसे गिरा हुआ धर्म है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको याद करेंगे ना, मदद भी करेंगे, जो गिरा हुआ उसको मदद भी करते हैं। जब लड़ाई शुरू होती है तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब भी देखो देते रहते हैं, नहीं तो भारत भूखे मर जाए, परंतु कभी ऐसा हुआ नहीं है। क्लैमिटीज भी बहुत आती है, लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई तुम्हारी पूरी हो जाएगी। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तब तक थर्ड वार बेहद की लड़ाई लग नहीं सकती है।
बाबा की राज्य की पढ़ाई जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी, ये लव है। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, बाप को पढ़ाना ही है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, पालना भी होती है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है और विष्णु द्वारा पालना। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा होता है ना। अच्छा बच्चे बाबा बोले, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारा, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम गुणा शुक्रिया शुक्रिया। वह मेरा बाबा वाह, वह मेरा भाग्य वाह, वह ड्रामा वाह, वह संगम युग वाह, और वह ईश्वरीय परिवार दैवी परिवार वाह वाह। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या क्या कहेंगे, एक पॉइंट लिख लीजिए। मुख्य मुख्य पॉइंट धारणा के लिए दो दो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बाबा आज हम बच्चों को शिक्षा दी, आज के ज्ञान मुरली से भगवान हमें क्या क्या ज्ञान रत्न दिए हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। आत्मा आसरणी होकर परमात्मा बाप के पास जाती बिना शरीर का होकर, तो हमें बार बार आसरणी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का प्रैक्टिस करना होगा, या देही अभिमानी बन करके सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में चलना बाबा के पास। बुद्धि में रहता है कि बाप आए हैं, हम आत्माओं को लेने के लिए आए। अंत में सभी रावण की जेल में कैद हो जाते हैं, रावण की जेल में लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तुम्हारी। जब तक पढ़ाई पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई लग नहीं सकती है। लेकिन अब कहेंगे लड़ाई लगी कि लगी, अब ये पढ़ाई पूरी हुई कि हुई, है ना। चलिए धारणा के लिए मुख्य पॉइंट लिखे। अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है तुम बच्चों, एक ही धंधा ज्ञान रत्नों का धंधा करना। ज्ञान बसंत बनकर, रूप बसंत बन पढ़ाई तुम्हें पढ़नी है और हरेक भाई बहनों को पढ़ानी है बाबा बोले। दूसरी मुख्य पॉइंट, परमात्मा बाप के साथ वापिस घर जाना है
इसलिए पवित्र जरूर बनना है। परमात्मा बाप के साथ तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र जरूर बनना है, बाप के साथ तुम्हें घर चलना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। आज शरीरी बनकर बाप की याद में रहकर साइलेंस बल से साइलेंस की शक्ति जमा करो। तो बहुत प्यार से सने से हम सभी कालेश्वर बाबा का ये धारणा के मुख्य पॉइंट सुने। आज सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भवन। बाबा कहते हैं सदा उमंग उत्साह के पंख द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले सहज योगी भवन, अथक सेवाधारी भवन। ये बाबा वरदान दे रहे हैं। विस्तार है, आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने की निमित्त हो बाबा बोले, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने की निमित्त हो, इसलिए आपका पंख उमंग उत्साह का पंख बहुत मजबूत होना चाहिए। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण अर्थात हम भी के ब्रह्मा कुमार कुमारी विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा कहते हैं आप आत्मे उमंग उत्साह के पंख आपके मजबूत होने चाहिए। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी विश्व कल्याण के जवाबदार है। तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। आलस्य और अलबेलापन कब आता है? जब हम उस स्वमान में नहीं टिकते हैं, उन बाबा के विशेष ज्ञान रत्नों की स्मृतियों में नहीं होते हैं, तो ये अवगुण आ जाता है। आ जाएगा ना, कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह रहता है वह अथक होते हैं। सबसे मुख्य बात क्या? उमंग उत्साह। जिन बच्चों में उमंग उत्साह है वह कभी भी थकेंगे नहीं। थकेंगे नहीं, सदा उमंग उत्साह खुशी में रहेंगे। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक बन जाते हैं। इसलिए आज के बाबा के वरदान से सदा होमवर्क लेंगे, मैं अथक सेवाधारी के साथ साथ मैं उमंग उत्साह में रहने वाले सच्चे बाबा के बच्चे हैं। तो उमंग उत्साह है तो क्या है? थकेंगे कभी नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता थकते नहीं, वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ा देते हैं। सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ा देते हैं, अपने चेहरे से चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ा देते हैं। स्लोगन है, परमात्मा बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। परमात्मा बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगी।
अच्छा ओम शांति। तो आज हम सभी पुनः परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी का थोड़ा सा विशेषताएं सुनेंगे। दादी जी की विशेषताएं। दादी प्रकाश मणि जी के विशेषताएं क्या था सुनिए। दादी जी संपूर्ण क्रोध मुक्त और सदा प्रसन्न चित्त। जब मैं मुंबई में दादी जी के पास रहती थी, मैंने देखा दादी जी बहुत शांत और प्रेम की मूर्ति हैं। एक दिन रात्रि को मैंने दादी जी से पूछा, दादी जी क्रोध नहीं आए, इसकी कोई युक्ति हमें बताइए। दादी जी ने कहा, राजा की तरह रहो। राजा अपने ही ख्यालों में मस्त रहता है, इधर उधर नहीं देखता है, अपने ही लक्ष्य को लेकर चलो, बस क्रोध मिट जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा, आगे बढ़ने के लिए सहन शक्ति हो, क्यों मैं आप पीछे से आगे निकल जाओ तो आगे वाले आपको बोलेंगे ही। अगर आप सहन कर लेंगे तो आगे ही रहेंगे, यह सहन शक्ति धारण करने से आप मीठे बन जाएंगे। शिक्षाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों का ऑबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा का यह एक बोल ही हमें कितना मीठा, कितना पाठ पढ़ा देता है। दादी जी की शिक्षाएं क्या है? और ऐसे भी बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों का ऑबीडियंट सर्वेंट हो। बाबा का यह एक बोल ही हमें कितना मीठा बना देता है। हमारा बाबा कितना निरअहंकारी है। तो हम भी अपने आप से पूछें, कितना निरअहंकारी और हम कितना निर्माण चित्त रहते हैं। जब ऊंचे ते ऊंचा बाप इतनी ऊंची अथॉरिटी कहता है, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, तो हमें कितना निरहंकारी बनना चाहिए। जब स्वयं भगवान ऊंचे ते ऊंचा वो कह रहे, बच्चे मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूं, तो तुम बच्चों को कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। अगला दादी जी का पॉइंट, सदा संतुष्ट मणि बनकर सबको संतुष्ट करने की भावना। दादी जी सदा संतुष्ट मणि बनकर रही। उनकी बुद्धि में यही रहता था कि सब मेरे से संतुष्ट रहे। ये बहुत बड़ी पुरुषार्थ भी है, बहुत बड़ा कला भी है, सब मेरे से संतुष्ट रहे। संतुष्टता ही मेरे लिए सबकी दुआएं हैं। दादी जी कहती थी, मेरी बुद्धि में यही रहता है कि हमें सबको संतुष्ट करना है, संतुष्टता की दुआएं सबसे लेनी है, सदा धारणा से बुद्धि
सदा निश्चिंत रहती है। संतुष्टता ही उदारता है, जितनी उदारता उतनी संतुष्ट रह सकेंगे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। दादी जी हमेशा कहा करती थी संतुष्टता उदारता, उनके गले कहा था कितनी सहज उदारता होगी, उतना संतुष्ट किसी को भी नहीं होती। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, सदा निस्वार्थ होकर सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति, उसे बार बार पढ़ेंगे। तीन मिनट बाबा को याद करेंगे। तो आज का सम्मान लेंगे, मैं आत्मा सदा उमंग उत्साह मेरा, सर्व को उमंग उत्साह देने वाली अथक सेवाधारी हूँ। मैं ब्राह्मणात्मा सदा उमंगता में रहने वाली अथक सेवाधारी आत्मा, सदा परमात्मा बाप संत के रंग में लतंगी की आत्मा, कोई भी बुराई का रंग किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं रह सकता। सदा बाप के संग में रहना, अच्छे गुणों का स्थान कर आत्मा सदा ज्ञान रत्नों की भंडार करने वाली, सदा रूप बसंत पढ़ाई करने वाले और सर्व को पढ़ाई पढ़ाने वाले,
मैं आत्मा सदा परमात्मा बाप के साथ वापिस घर चलने लगी। बाबा बच्चे पवित्र धन को अपने घर जाऊंगी। परमात्मा बाप याद में साइंस की शक्ति से साइंस पर विजय प्राप्त करें। ब्राह्मण आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर महात्मा ज्योति को प्रकाश कुंज चमक रही मैं और मेरा बाबा संभाल विश्वलोक और मेरा बाबा कंबाइन सुप्रिया बाबा सुप्रिया आपका कन्या कर्म सुप्रिया सुप्रिया ओम शांति ओम शांति।